गत दिवस मनगवां थाना क्षेत्र अंतर्गत मलकपुर तालाब में एक विशेष समुदाय के लोगों ने कुछ लोगों पर योजनाबद्ध तरीके से हमला कर दिया था, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। वहीं वैश्य समाज ने मनगवां निवासी लवकुश गुप्ता एवं उनके पुत्रों के ऊपर कातिलाना हमला करने वाले आरोपी नियामुल हक अहमद अली खान, हाफिज अली, नियाज खान, लाले कलंदर खान, अनवर खान, खुर्शीद खान, सोनू खान, हामिद अंसारी एवं रौनक अंसारी को अविलंब गिरफ्तार कर दंडात्मक कार्यवाही किए जाने वैश्य समाज ने रैली निकालकर रीवा एसपी कार्यालय में ज्ञापन सौंपा है। वैश्य समाज के अध्यक्ष के गुप्ता ने मीडिया को बताया कि 25 मई 2022 को मनगवां निवासी लवकुश गुप्ता एवं उनके पुत्रों के ऊपर उपरोक्त आरोपी गणों द्वारा कातिलाना हमला किया गया। उपरोक्त आरोपी गण आदतन अपराधी हैं, जो अवैधानिक कार्यों में लिप्त हैं। आए दिन मनगवां के आसपास अपराधी घटनाओं को अंजाम देकर सरेआम घूमते रहते हैं। पुलिस प्रशासन की आंख में धूल झोंकते हुए दबंगई पूर्वक व्यापारियों को परेशान करते हैं। आरोपी गण दिनांक 25 मई 2022 को लवकुश गुप्ता एवं उनके पुत्रों के ऊपर कातिलाना हमला कर घटना कारित किया। उक्त घटना की रिपोर्ट पीड़ित पक्ष द्वारा थाना मनगवां जिला रीवा में दर्ज कराई गई, किंतु थाना मनगवां जिला रीवा की पुलिस द्वारा आरोपी गणों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है, जिससे आरोपी गणों के हौसले बुलंद हो गए हैं। आरोपी गण इतने सरहंग हैं कि उनके द्वारा कुछ दिन पूर्व मनगवां तालाब के किनारे स्थित पुराने शिव मंदिर को तोड़ फोड़ कर उस पर मस्जिद बना लिया गया है तथा अन्य कई शासकीय भूमियों पर अतिक्रमण कर लिया गया है, जिसके संबंध में स्थानीय लोगों द्वारा कई बार शिकायत की गई, किंतु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। आइए आपको सुनाते हैं वैश्य समाज का क्या कहना है। लवकुश गुप्ता अपने भारतीय जनता पार्टी के पूर्व पार्षद हैं। इनकी जमीन वहां पर है मनगांव बस्ती रोड पे। ये अपनी गिट्टी गिरा रहे थे और वहां के अपराधियों लोगों ने इनके साथ जानलेवा हमला किया, जिसकी व्हाट्सएप फेसबुक में ग्रुप में चल रही। इस तरह से उन्होंने पूरी प्लानिंग करके मारने की कि हत्या हो सकती थी और काफ़ी गंभीर चोटें आई। इनके तीन पुत्रों को भी चोटें आई हैं। वही हम लोग वैश्य समाज सम्मेलन की तरफ से माननीय एसपी ऑफिस को ज्ञापन दिए, एसपी साहब को, कि इसमें उचित कार्रवाई है। वो लोग ऐसे अपराधी हैं जो लगातार कई वर्षों से अपराध कर रहे हैं और यहाँ सरकार और प्रशासन कह रही कि हमें अतिक्रमण गिराना है, तो जो मस्जिद बनी है आपके नहर ऊपर वहाँ ऑलरेडी वो शासकीय पे है, वहाँ बहुत पहले शंकर जी की भी मंदिर थी, तो आप छोटे छोटे गरीबों को आप मतलब अतिक्रमण के नाम के गिरा रहे हैं। जहाँ ऐसे मस्जिद मंदिर में जहाँ धार्मिक स्थल हैं, चाहे जो भी धार्मिक स्थल हो, चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, वहाँ पर जहाँ पे कब्जा है वहाँ पर प्रशासन गिराना चाहिए। अगर इसमें उचित कार्रवाई नहीं होगी तो रीवा का वैश्य महासम्मेलन मुख्यमंत्री से बात कर रहा है मुलाकात के लिए। गृह मंत्री से हम लोग परसों मुलाकात के डेट मिली हुई, हम लोग रीवा से वैश्य समाज लोग जाएंगे। चोटें आई हैं, चार लोगों को चोटें आई हैं, पांच लोगों को, एक ड्राइवर भी है साकेत, क्या नाम है साकेत जी का, बबलू साकेत को भी चोटें आई हैं। तीन लोग को आपकी चोटें आई और वो लोग फर्जी तरीके से बीरन साकेत विवाद, इनकी जमीन है निजी और वहाँ पर ये अपने गिट्टी गिरवा रहे थे और उन्होंने कहा ये सरकारी ज़मीन है, जबकि इनकी निजी की जमीन ही पट्टा है, सीमांकन है, पटवारी तहसीलदार ने सीमांकन कर गए हैं, और जबकि उनकी ज़मीन मेड़ में गलत तरीके से मस्जिद बनाई गई है। तीन आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार भी कर लिया है, क्योंकि दूसरे पक्ष को भी इसमें चोट लगी है। इस संबंधी पुलिस तस्दीक कर रही है। मौके पर कलेक्टर साहब, एस पी साहब भी गए थे, साथ ही वहाँ पर एडिशनल एस पी मऊगंज, एस डी मऊगंज और वरिष्ठ अधिकारी वहाँ से मौजूद थे, राजस्व विभाग के तहसीलदार उनका अपना मौजूद था। सारे लोगों के द्वारा वैधानिक कार्रवाई वहाँ कर दी गई है, शांति बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्रवाई वहाँ की जा रही है, मामला शांत है पूरी तरह से। इसमें आज जो उत्तर परिवार के लोग थे वो कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर, वो धारा इजाफा को लेकर यहाँ ज्ञापन दे रहे थे और उनका कहना था कि सामने वाला अपराधी व्यक्ति का तो उनका रिकॉर्ड देख के उनके विरुद्ध और जो धाराएँ बनती हैं उनके खिलाफ में उसमें कार्रवाई की जाएगी। मामला अभी शांत है, समझाइश दे दी गई है, सब लोग चले गए। विवादित भूमि को लेकर भी कुछ, हाँ उसमें बताया ना आपसे कि राजस्व विभाग का अमला भी मौजूद था, वो कोई मामला था जो न्यायालय में विचाराधीन था, जिसकी आज सुनवाई भी थी, ऐसा जानकारी में लगा है, और वो मामला अभी न्यायालय से निराकृत नहीं हुआ है। वो निराकृत होने के बाद आवश्यक कार्रवाई वो भी की जाएगी, राजस्व विभाग इस संबंध में अपनी कार्रवाई कर रहा है।